हिंदुस्तान बेसिकली वो खा भी जाएगा प्रेशर में वो। अब जी प्रेशर में वो क्रम्बल तो करते हैं, हमारे खा भी क्रम्बल करके थे, हम तो बॉटम की टीम थे। तो बेसिकली ये सारा घंटे के अंदर ही प्रेशर बना बनो के देख लिया जाएगा, क्विंटन डिकॉक से लेके क्लासन तक देखा जाएगा। और टोटल डोमिनेट किया है जडेजा ने। बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, मोहम्मद शमी को देखें, फिर उनके साथ सिराज ने भी विकेट लिया। लेकिन रविंद्र जडेजा को जो इंडिया पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, वो इसी बॉलिंग की वजह से करता है भाई। खूबसूरत बोल मारा और जबरदस्त भाई, जडेजा ऑन फायर भाई, क्या बॉलिंग है आज की बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। सालगिरह पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। जडेजा ने तो मतलब जद्दू ने तो आग ही लगा दिया यार, मतलब वर्ल्ड कप का माहौल बना दिया यार, इतनी खुशी मुझे, इतनी खुशी यार, आज वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस हुई है। जडेजा ने बांध के मतलब पहला ओवर क्या, दूसरा ओवर क्या, तीसरा क्या, तो अपने मैदानों पर अगर अगर वो खेलते हुए जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ देखें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि शायद पिचेस जो हैं वो ऐसी नहीं है जहां पर मतलब कहीं गेंद की बात होती है, कहीं पिचेस की बात होती है। इंडिया वो टीम है जो अपने हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है। जडेजा ने आग लगा दी भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, क्या जबरदस्त बॉलर है हिंदुस्तान के पास। यस, लेवल किया था। ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और वैसा सचिन तेंदुलकर तो बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा बॉल अच्छा इस एरे का, मैं समय तो विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर मैंने जो देखा अभी तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विराट कोहली की 49th ओडीआई सेंचुरी के बाद सर जडेजा की पंजा के वजह से अब साउथ अफ्रीका ने 83 रन पे ही अपने घुटने टेक दिए हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि साउथ अफ्रीका को भारत ने बेइज्जत करके हराया है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को आज इंडिया ने हराया, मतलब कह सकते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका इस टीम गेम में नहीं था। क्या क्लासेन, क्या डुसेन, मतलब क्या मिलर, क्या उनकी डिकॉक, क्या बाबू, सबको उड़ा के रख दिया। और जो सोच रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका एक बहुत ही बड़ी बैटिंग लाइनअप है, उसको रेत के मतलब ढेर साबित कर दिया। और कहा जाए तो जिस तरीके से जडेजा ने इनको बम्बूजल करके रख दिया, और सोच रहे थे कि कुलदीप यादव आज अच्छे से विकेट लेंगे, लेकिन जिस तरीके से जडेजा ने आज ने इनको पेल के रख दिया, क्या कहा जाए। इस तरीके की हार, मतलब कहा जाए कि अगर फाइनल होता तो कितना ज़्यादा बेइज्जत होता साउथ अफ्रीका के लिए। वैसे तो चोकर कहा जाता है, लेकिन ये तो मतलब चोकर की हद ही हो गई। चलिए वीडियो देखते हैं, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है जडेजा की। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। हिंदुस्तान बेसिकली वो खा भी जाएगा प्रेशर में वो। अब प्रेशर में वो क्रम्बल तो करते हैं, हमारे खा भी क्रम्बल करके थे, हम तो बॉटम की टीम थे। तो बेसिकली ये सारा घंटे के अंदर ही प्रेशर बना बनो के देख लिया जाएगा, क्विंटन डिकॉक से लेके क्लासन तक देखा जाएगा। हाँ, ये मजा आया। लेकिन यार मुझे आई डोंट थिंक सो, जिस किस्म की बॉलिंग आप की जा रही है, जिस किस्म के आपके बॉलर खुले हुए हैं, तगड़े आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल यार कि बनता है कोई मुकाबला। क्या कहते हैं वो शाहरुख खान, 70 मिनट है वो कर लो, 70 मिनट में जो करना है कर लो, बाकी मेरे ख्याल में 70 मिनट के बाद बचना कुछ नहीं। बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, मोहम्मद शमी को देखें, फिर उनके साथ सिराज ने भी विकेट लिया आखिर में। तो मजमूई तौर पर जो उनकी बॉलिंग है वो फॉर्म में है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कंडीशंस उनकी अपनी हैं, पिचेस पर वो पता नहीं कितनी मैचेस खेल चुके हैं, सैकड़ों मैचेस खेल चुके होंगे, उसका तजर्बा है आईपीएल की सूरत में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट की सूरत में भी, तो उनको बहुत अच्छे खास अच्छे तरीके से अपनी पिचेस का तजर्बा है, कंडीशंस का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सीम पोजीशन की बड़ी अच्छी होती है, ज़्यादा रूम नहीं देते हैं इंडियन बॉलर्स, नहीं दिया अब तक उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जब भी वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है उनके नुकता निगाह से कि बॉलिंग अच्छी फॉर्म में है, लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग भी फॉर्म में है। बैटिंग के लिए जो एक मुश्किल ज़रूर है साउथ अफ्रीका की, कि वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो उनकी सलाहियतें हैं वो हमेशा से उन पर सवालिया निशान रहा है, बिलखसूस इस टूर्नामेंट में। तो अपने मैदानों पर अगर अगर वो खेलते हुए जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ देखें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि शायद पिचेस जो हैं वो ऐसी नहीं है जहां पर मतलब कहीं गेंद की बात होती है, कहीं पिचेस की बात होती है। इंडिया वो टीम है जो अपने हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है, हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है। पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने एक ही वेन्यू पर, एक स्टेडियम में एक से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान को खेलने का मौका मिला है। तो इंडिया ने हर मैच मुख्तलिफ स्टेडियम पर खेला है, उनको हर मैच मुख्तलिफ हालात में खेलने, गो के उनके अपने हैं लेकिन वो ट्रैवल किया उन्होंने अपने मुल्क में इस वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो जो अडेप्टेबिलिटी है उनकी, कि हर किस्म के हालात में अपने आप को ढालते हैं बहुत जल्द और फिर बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप के जरिए क्रिकेट पहले ही बहुत मकबूल है, और उसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ये जो अपने अपनी टीम को पूरे पूरे मुल्क में जहाँ पर वेन्यूज़ थे
वहां पर लेके गए हैं, तो ये बुनियादी तौर पर उनकी क्रिकेट को भी इसका बड़ा फायदा है। और जो हम इंपैक्ट की बात करते हैं ना कि थोड़ी परफॉर्मेंस है लेकिन उसका असर होना चाहिए, वो शुरू होता है रोहित से। 40 रन किए उसने, मुश्किल पिच थी, मैं बता रहा हूँ आपको, इजी नहीं था, लेकिन उसके वो 40 रन, नीचे के प्लेयर जो आते रहे वो अपने गेम को मतलब खेले भी, लंबा इनिंग भी लंबी किए। सालगिरह पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। किंग कोहली कहा जाता है और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है, फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीजें शो करती हैं कि जिस तरह उसने रिकॉर्ड लेवल किया मेरा फ्रेंड, yes, और ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा बॉल चाहे इस एरे का, मैं समझता हूँ विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर मैंने जो देखा अभी तक। लेकिन इस एरा में जिस तरीके से कोहली खेला है, मेरा नहीं ख्याल और कोई ऐसे खेला है। भाई यार अबाड़ा बबाड़ा गबाड़ा कबाड़ा भाई, इनको बॉल बॉल मार मार के भाई बुमराह भाई, मोहम्मद शमी भाई, इनको बॉल मारो यार। कम से कम एक दो बैट्समैन और एक दो बॉलर्स कम कर दो यार इनकी। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ये लोग जो है बॉल में कुछ चिप लगवा रहे हैं, कोई ट्रैकिंग सिस्टम है बॉल में, कुछ है इस बॉल के अंदर के जब ये बॉल कराते हैं भाई पता नहीं कैसे स्पिन होकर आ जाती है, विकेट पे लगती है, जब दूसरी टीम बॉल कराती है पता नहीं क्या। इतने बेवकूफ लोग हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखे यार। चलो एक दो तीन दिन पांच दिन हफ्ता दो हफ्ता तो इनका चल गया मैच फिक्स से देख रहे भाई, तो सभी हार रहे हैं कि कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया फिक्स करके आई है क्या। तो यहाँ 300 रन बनाने मुश्किल थे, के स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, अपनी लाया था ये, अपनी लाया था। ये जो कह रहे हैं ना कि स्लो थी, ये थी, वो थी, बहुत ठंडा करके खेला, अबे पता भी है तुम्हें हुआ क्या है आज, हाँ। क्या कर रहा था, कौन किसका बॉल ग्रिप कर रहा था, केशु का, केशु के अलावा क्या शमसी को कोई खेल सकता था, हाँ। अबे अगर वाकई इतनी सस्ती विकेट होती तो क्या रोहित शर्मा छोड़ देते, शिवमन गिल छोड़ देते आज, केएल राहुल क्या छोड़ देते आज, उनको भी तो मौका मिला था, हाँ। बात सीधी सी ये है कि भैया जब ट्रिकी सिचुएशन होगी और मुश्किल होगी और गर्मी होगी गर्मी। तो वहां पर 205 मिनट एक ही आदमी खड़ा रह सकता है जिसका नाम है विराट कोहली। कितने मिनट? 205 मिनट, ये तो ओवर खत्म हो गए तो जाना पड़ा। वेरी अगली भाई हुआ क्या, हुआ कि विराट ने बताया कि मेरी और देखिए श्रेयस अय्यर और विराट का कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आया वो एशिया कप से चला आ रहा है, जहां पे वो विराट ने खुद बताया कि यार मेरी और श्रेयस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एशिया कप से पहले से है, जब से श्रेयस वापस आया हम दोनों स्पिन को अच्छा खेलते हैं, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं, बाकी अच्छा तो लोगों को पता ही है। हालांकि जब केशव महाराज आए तो कमेंटेटर बता रहे थे कि 5-6 ही बॉलों पे रन है विराट के, 60 बॉलों में, उसमें टेस्ट मैचेस थे, केशव महाराज के अगेंस्ट बड़ा खतरनाक और अजीब सा रिकॉर्ड था, लेकिन उसको ठीक किया श्रेयस अय्यर ने, बहुत टाइम लिया जिस विकेट पे श्रेयस अय्यर अगर स्पिनर्स पर टाइम ले रहे हैं तो बाकी समझ जाए कि वो विकेट बड़ी ट्रिकी है, उस पर गेंद रुककर भी आ रहा है, रुककर क्या आ रहा था, ग्रिप हो रहा है, स्लो विकेट है, पर वो जो रोहित शर्मा का आगाज है देखे निकले वो बड़े खूब थे, रबाडा का पूरा ओवर एक लेग बाई की नजर हुआ हुआ था, लास्ट बॉल पर वो आगे निकले लेकिन गेंद इतना फुल था वो सीधा बबूमा के मुंह का निशाना लिया रोहित शर्मा ने, अगर सर के ऊपर से मार देते तो हो जाता आम, एक्सटेंशन उतनी नहीं मिली, वरना रोहित शर्मा का आपको कोई 50-50 बॉलों पे सुनील गवास्कर ने कह दिया था 50वां। अबे उस दिन के बाद से ही तो विराट ने बोला कि तुम्हारे मुंह से निकली भी कोई बात मैं सच होने नहीं दूंगा, मेरी क्रिकेट मेरी मर्जी, जहां पर मारूं तो अबे सेमीफाइनल में खड़ा हुआ है 100, सेमीफाइनल में 50वां शतक दे रहा है वो, लो यहां पे दे दी भविष्यवाणी, आप यहां पे 50 भारत विराट कोहली ने इस तरह सरवाइव किया ना फिर भाई, असल कमाल आज का ये है, पता ही नहीं है लोगों को, अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो अबे इतनी फिटनेस होती तो उसने कल बेंगलुरु में रना बॉल खेला यार, बच दो इधर आ जाओ। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जडेजा की पंजे के बाद साउथ अफ्रीका टिकी नहीं पाई, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप थी उसको देखकर सारे मतलब वर्ल्ड कप की टीम डर रही थी, ये तो मतलब बच्चों वाली टीम जैसे साबित हो गई, जडेजा, कुलदीप और सिराज, बुमराह, आज कौन अच्छा नहीं बॉलिंग किया, मतलब 25 ओवर के अंदर जो 30 ओवर के अंदर ही इनको पैक कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि आज एक कड़े के मुकाबला होगा, शायद इंडिया 20-30 रन कम पड़ गया है, लेकिन क्या कम पड़ गया है भाई, जो विराट कोहली को सेल्फिश बोल रहे थे अब कहाँ जाएंगे, मतलब जो विराट कोहली ने इनिंग्स के लिए उसको तो जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है, क्योंकि इस बॉलिंग के लाइनअप के सामने वो तो साउथ अफ्रीका इतने बड़े बड़े बैट्समैन जो आप बड़े बड़े नाम बताते हैं वो तो रेत के ढेर की तरह ढह गए, और एक अकेला जडेजा ने पंजा लेकर
सुझा दिया बिल्कुल साउथ अफ्रीका को। आज अगर फाइनल होता तो साउथ अफ्रीका की ऐसी हालत हुई है, मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब इतनी बुरी हालत, और मतलब 5 विकेट झटक लिए हैं, वो भी अकेला जडेजा ने। सोच रहे थे कि कुलदीप यादव विकेट लेंगे, मोहम्मद शमी विकेट लेंगे, हालांकि लिए, लेकिन जिस तरीके से आज जडेजा ने मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आकर बॉलिंग कर दी है भाई, क्या ही कहना। जितनी भी तारीफ किया जाए जडेजा की बॉलिंग की उतनी कम है। उम्मीद लगाया जा रहा था कि भाई हमारी बॉलिंग आज कमाल करके दिखाएगी, हमारी स्लो मतलब स्पिन बॉलिंग, और वैसा ही हुआ। और साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी हार, मतलब कह सकते हैं कि 200 से भी ज़्यादा रन की बड़ी हार साउथ अफ्रीका को मिला। और इसको कहा जाता था कि भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल होगा, ये फाइनल होने के लिए सोच रहे थे लोग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।